Hello everyone, welcome to my channel. This video is about English name of occupations. So let's start with the video. First is lekhak. Lekhak, writer of a book, article or document, इनको हम English में author के नाम से जानते हैं. लेखक, author. Next is लेखा परीक्षक. लेखा परीक्षक is a person who is authorized to review or verify financial records. तो इनको हम English में जानते हैं auditor के नाम से. किस नाम से जानते हैं? Auditor, जो balance sheet वगैरह सारे financial accounts records को verify और review करते हैं. Next is मुनीम. मुनीम जो है वो सारा किसी firm का या किसी दुकान का पूरा हिसाब किताब, सेल परचेज सारा रिकॉर्ड रखते हैं, तो उनको हम अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज ज्योतिषी. ज्योतिषी जो हमारा भविष्य देखकर, पत्रियां देखकर जो हमारा भविष्य बताते हैं, उनको हम इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं. एस्ट्रोलॉजर. नेक्स्ट इज बाजीगर. बाजीगर को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्रोबैट. एक्रोबैट कौन होते हैं? एंटरटेन करते हैं. एंटरटेनर हु परफॉर्म्स, जो जिम्नास्टिक फीट्स, जो जिम्नास्टिक के करतब दिखाते हैं, उनको हम एक्रोबैट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज मकान का नक्शा बनाने वाले. जो मकान का नक्शा बनाते हैं उनको हम आर्किटेक्ट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज नाई, जो जेंट्स के हेयर बाल काटते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उनको बार्बर बोलते हैं. साहूकार. साहूकार जो पैसे देते हैं, और अ पर्सन हु मैनेजेस और ओन्स अ बैंक और बैंक्स, तो उनको हम बैंकर के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट इज जिल्दसाज, जो किताबों को बाइंड करते हैं, जो किताबें जब फट जाती हैं तो उनको सारा से सेट करके, अरेंज करके, जब पूरी उसको बाइंडिंग करते हैं तो बुक बाइंडर उनको बोलते हैं. नेक्स्ट इज दलाल. दलाल कौन होते हैं? जो मीडिएटर का रोल करते हैं सेल परचेज में, कोई सा भी आपका कोई भी निगोसिएशन है तो उसमें उनको हम ब्रोकर के नाम से जानते हैं. दवाई बेचने वाला, ड्रगिस्ट. एक केमिस्ट भी होते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, वन हु नोज द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल मेडिसिंस, बट अ ड्रगिस्ट इज हु नोज, जो उनको सारा पता भी होता है और वो उसको बेचते हैं. तो आपने यू मस्ट हैव नोटिस कि केमिस्ट के बाद ये लिखा भी होता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, तो दवाई बेचने वाले को हम ड्रगिस्ट बोलते हैं. लोहार, जो लोहे का काम करते हैं, उनको ब्लैक स्मिथ. खानसामा, बटलर. अब खानसामा और हमारा अगला वर्ड है रसोईया. अब कुक. अब कुक और बटलर में क्या फर्क है? अब कुक जो है वो हमारे जैसे खाना बनाते हैं खाली किचन में, ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स विच आर टू बी कुक्ड. वेयर एज खानसामा, खानसामा जो बटलर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज इन चार्ज ऑफ द होल अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग वाइन एंड लिकर, थिंग्स लाइक दैट. तो ये हमारे जो खानसामा, ये इज रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है इनकी, और जो रसोईया है वो ही इज लिमिटेड, हिज ड्यूटीज आर लिमिटेड टू द किचन ओनली. नेक्स्ट इज हलवाई. हलवाई कन्फेक्शनर के नाम से जाने जाते हैं. कार चलाने वाला, शफर, जो गाड़ी में लेके जाते हैं, उनकी गाड़ी है, उनको जिस स्थान पे जाना होता है. विदूषक. नाउ द वर्ड इज क्लाउन. अब क्लाउन जो है, दे आर द कॉमिक परफॉर्मर्स, ये मतलब हंसाने वाले परफॉर्मर्स होते हैं. ऑफन एसोसिएटेड विद सर्कस, मतलब सर्कस के साथ ज्यादा इनका एसोसिएशन होता है. जहां पे आपने देखा होगा इन्होंने ओवरसाइज्ड कपड़े पहने होते हैं, रेड नोज होती है और फेस पेंट लगा होता है, तो ये होते हैं हमारे क्लाउन. नेक्स्ट इज मोची. मोची जो कॉबलर, कॉबलर के नाम से जाने जाते हैं, और जो जूते टूट जाते हैं उनको रिपेयर करते हैं. रंगने वाला, कोई भी कपड़ा आप डाई करना चाहते हैं किसी से मैचिंग करता हुआ तो वो उसको डायर बोलते हैं. रफूगर, डार्नर. अब कोई नई शर्ट है आपका, कुछ नई साड़ी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और जरा सा उसमें से कहीं अटक गई तो वो जरा सा उसमें फट गई वो, तो उसको, इतनी महंगी चीज को आप ऐसे यू कैन नॉट थ्रो इट अवे लाइक दैट.
जो डार्नर है, जो रफूगर है, वो क्या करेंगे कि वो इस तरीके से उसको करते हैं पैचअप कि पता भी नहीं चलता कि यहाँ से वो चीज फटी हुई है या कट गई है। तो वो उनका ये आर्ट होता है। तो रफूगर द वन हु स्टिचेज द क्लोथ, द टॉर्न क्लोथ और द टॉर्न पीस इन सच ए मैनर दैट इट लुक्स लाइक न्यू। तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? डार्नर के नाम से। दांतों का डॉक्टर डेंटिस्ट, जो हमारे दांतों को देखता है वो डेंटिस्ट। तीर्थ यात्री पिलग्रिम, अब यात्री जो है उनको तो हम ट्रेवलर के नाम से जाते हैं, लेकिन जो तीर्थों पे जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं पिलग्रिम। किसान फार्मर, जो खेती बाड़ी करते हैं, सारी फसल उगाते हैं हमारे लिए, सारा खाने पीने का सामान उगाते हैं, तो उनको हम फार्मर बोलते हैं। अब प्यादा, प्यादा जो होता है उसको हम बोलते हैं फुटमैन। अब फुटमैन ही इज अ सर्वेंट, फुटमैन जो है वो एक सर्वेंट होता है, हु परफॉर्म्स अ रेंज ऑफ ड्यूटीज, उसकी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। अब गेस्ट भी आए हैं घर पे, उनको भी अटेंड करना है, सर्विंग मील्स भी सर्व करने हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, कैरिंग आइटम्स, सो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो प्यादा जो है वो फुटमैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज बचर, बचर कौन है? जो कसाई मांस काटते हैं। नेक्स्ट इज बढ़ई कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करते हैं, दरवाजे खिड़कियां वगैरह बनाते हैं, तो कारपेंटर के नाम से जाने जाते हैं। खजांची कैशियर, बैंक में देखो कैशियर होते हैं अलग से, जो कैश का सारा हैंडल करते हैं, तो उनको हम कैशियर के नाम से जानते हैं। ठेकेदार को हम कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? जो पूरा ठेका ले लेते हैं, कि जैसे ये बिल्डिंग का ठेका इनको मिल गया, ये बिल्डिंग का हो गया, या कोई कैटरिंग का ठेका मिल गया, या कोई किसी तरीका का भी कॉन्ट्रैक्ट जब मिल जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज माली गार्डनर, माली जो है सारे पौधों की, पूरे बाग, पूरी बागवानी करना, सब पौधों की देखभाल करने वाले को गार्डनर बोलते हैं। अब है हमारा फेरी वाला, फेरी वाले को हम क्या बोलेंगे? हॉकर। अब हॉकर कौन होते हैं? कि जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज में अपने सामान बेचते हैं, वो उनके पास या तो साइकिल होती है या कोई कार्ट होती है, हैंड कार्ट होगी या फिर कोई बाइसिकल होगी, और वो फिर चिल्ला चिल्लाकर बोलते हैं, जैसे कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, या एनी आइटम विच ही विशेस टू सेल, इधर ही शाउट्स और शाउट ऊंची ऊंची बोलेगा, तभी तो लोगों को मालूम चलेगा कि नहीं वो क्या बेच रहा है। तो उन फेरी वालों को हम हॉकर बोलते हैं। नेक्स्ट इज जौहरी, जिसको हम बोलते हैं ज्वेलर। अब ज्वेलर कौन है? हु मेक्स और सेल्स ज्वेल्स, जो बनाते हैं और बेचते हैं ज्वेल्स को, जेवर को, या बहुत सारी ज्वेलरी को, तो उनको हम ज्वेलर बोलेंगे। नेक्स्ट इज बाजीगर, बाजीगर को हम क्या बोलते हैं? जगलर। अब जगलर कौन है? हु परफॉर्म्स फॉर एंटरटेनमेंट, आर्ट और स्पोर्ट के लिए, तो उनको हम जगलर बोलेंगे। अब वकील हो गए लॉयर, जो पूरी उन्होंने पढ़ाई की है, लॉयर है, डिग्री है उनके पास, तो उनको लॉयर के नाम से जानते हैं। मिस्त्री मकैनिक, मैकेनिक इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पानी का हो गया, प्लम्बर, सब उसमें मैकेनिक के उसमें कैटेगरी में आ जाते हैं। चित्रकार, जो पेंट करते हैं, पेंटिंग करने वाले हैं, उनको हम चित्रकार बोलते हैं। हाथ देखने वाला पामिस्ट, जो हाथ देख के एक तो पत्री देख के भविष्य बताते हैं, और एक हाथ देख के जो भविष्य बताते हैं, उनको हम पामिस्ट बोलते हैं, कि आपकी हाथ की लाइन ये कह रही है, आपकी हाथ की रेखा ये कह रही है, तो उनको हम पामिस्ट बोलते हैं। चिकित्सक फिजिशियन, जो खांसी जुकाम बुखार सब में आपकी तो कोई दवाई देते हैं, कोई उसमें नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, फिजिशियन है, सब उसके लिए देख लेंगे। फिशरमैन मछेरा, मछेरे को फिशरमैन, जो जनरली वर्क्स एट द सी टू कैच फिशेस एंड थिंग लाइक दैट। दरबान गेट कीपर, जो गेट पे खड़े होते हैं देखने के लिए, पूरी चेकिंग करते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उनको हम गेट कीपर के नाम से जानते हैं। सुनार,
सुनार कौन है, क्या बोलते हैं उनको, गोल्ड स्मिथ। अब सुनार जो है वो क्या करते हैं, ये एक मेटल वर्कर है जो स्पेशलाइज करते हैं वर्किंग विद गोल्ड, मतलब इनकी स्पेशलिटी है गोल्ड और अदर प्रेशियस मेटल्स, नॉट ओनली गोल्ड बट अदर प्रेशियस मेटल ओनली बट स्पेशलाइजेस इन गोल्ड, तो गोल्ड स्मिथ जाते हैं। अब परचून बेचने वाला ग्रॉसर, या छोटी मोटी आपको जो घर की चीजें हैं किचन की वो सब मिल जाती हैं, तो उनको हम ग्रॉसर बोलते हैं। कुमार जो मिट्टी का काम करते हैं, घड़े बनाते हैं और मिट्टी के जितने भी पॉट्स हैं बनाने वाले को हम पॉटर बोलते हैं। कुली यू मस्ट हैव सीन इन रेलवे स्टेशन, वन हु कैरीज द लगेज फॉर पीपल, जो सिर पे उठा के लोगों का सामान जो है वो स्टेशन से ट्रेन में या ट्रेन से बाहर तक उनको छोड़ के आते हैं, तो उनको हम पॉटर बोलते हैं। डाकिया पोस्टमैन, जो चिट्ठियां लेकर पोस्ट ऑफिस से लोगों के जो पते हैं, जो एड्रेस हैं, उनके घर तक पहुंचाना पोस्टमैन का काम है। पुजारी प्रीस्ट, वन हु सर्व्स गॉड इन टेम्पल्स, जो भगवान की पूजा करते हैं मंदिरों में, को प्रीस्ट के नाम से जानते हैं। नाविक सेलर, अब सेलर कौन है, मेंबर ऑफ द क्रू, जो क्रू में जो होते हैं ना मेंबर्स होते हैं, तो उसका एक कमर्शियल और नेवल शिप में या बोट में ये एक मेंबर होते हैं, तो कॉल्ड सेलर। नेक्स्ट इज शिल्पकार, स्कल्प्टर। शिल्पकार को क्या बोलते हैं, स्कल्प्टर। अब स्कल्प्टर कौन होता है, वन हु प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ स्कल्पचर, मतलब एज ए प्रोफेशन शिल्पकार जो होते हैं। आपने यू मस्ट हैव सीन कि कैसे वो तराशते हैं, कोई भी मूर्ति बनानी होती है क्रिएट करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं 3D स्ट्रक्चर और यूजिंग क्ले, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, फैब्रिक्स, वेरियस मेटल्स यूज करके वो जाके उनकी कोई स्कल्प्टर जो है वो तैयार होती है। अब भंगी स्वीपर, ये भी सड़कें साफ करना और रोड्स जो भी हैं तो वो कॉलोनीज में भी साफ करने आते हैं, जो हाईवे सब जगह काम सफाई करते हैं, तो इनको हम स्वीपर बोलते हैं। जादूगर सॉर्सरर, अब सॉर्सरर कौन है, वन हु कैन परफॉर्म विचक्राफ्ट और मैजिक, मतलब जो विचक्राफ्ट है इट्स एसोसिएटेड विद इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक मैजिक, ईवल डीड्स हैं उससे एसोसिएटेड होता है ये वाला सॉर्सरर। नेक्स्ट इज दर्जी, जिसको हम बोलते हैं टेलर, जो हम कपड़े देकर आते हैं और वो मेजरमेंट लेकर हमारे उसके जो भी हम बनवाना चाहते हैं तो वो हमारे कपड़े सिलते हैं। नेक्स्ट इज कलाई करने वाला टिनर, अब ही इज ए पर्सन हु मेक्स और रिपेयर्स थिंग्स, जो टिन से बनी हुई चीजें होती हैं उनको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं या पॉलिश करते हैं, तो ये हो गया टिनर। अब चमड़े का काम करने वाले को क्या बोलते हैं हम, टैनर, वन हु सेपरेट्स जो एनिमल्स की स्किन से वो सेपरेट करके ले, तो वो जो चमड़े का काम लेदर का काम करते हैं उनको हम टैनर बोलते हैं। नेक्स्ट इज वॉशरमैन, धोबी, धोबी को हम वॉशरमैन के नाम से जाते हैं जो कपड़ों को धोते हैं। अब चौकीदार वॉचमैन, जो कॉलोनी के चौकीदार हो गए, पर्सनल इंडिविजुअल हो गए, किसी बिल्डिंग के हो गए, किसी फॉर्म के हो गए, तो जो वॉचमैन पूरा देखभाल करते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो हम उनको चौकीदार के नाम से जाने जाते हैं। घड़ी साज वॉचमेकर, जो वॉचमेकर कौन होते हैं, जो ही इज एन आर्टिसन हु मेक्स और रिपेयर्स वॉचेस, या घड़ी बनाते हैं या ठीक करते हैं, तो हम उनको वॉचमेकर बोलते हैं। अब जुलाहा, जुलाहा कौन होता है, उसको हम वीवर के नाम से जानते हैं। अब वीवर कौन होते हैं, हु वीव्स क्लोथ्स एंड अदर मटेरियल्स, जो थ्रेड्स को, अगर आपने देखा होगा तो वो जुलाहे कैसे वीव करते हैं, धागे होते हैं, धागों को क्रॉस कर वो थ्रेड्स बनाते हैं, फिर उस तरीके से ये पूरे के पूरे कपड़े जो हैं, शीट्स हो गई, साड़ियां हो गई, जो भी हो गया मटेरियल उसको बनाते हैं, तो इनको हम वीवर के नाम से जानते हैं। पहलवान रेस्लर, जो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, तो उनको हम रेस्लर्स के नाम से जानते हैं। बड़बूजा पार्चर के नाम से जानते हैं, बड़बूजा कौन होते हैं, यू मस्ट हैव सीन
पॉपकॉर्न भूनते हैं वो रेत में, और वो काले चने भी होते हैं, और भी चीजें होती है, मूंगफली होती है, तो वो जो रेत में भून के खूब, इसका मतलब होता है खूब ड्राई करना, जितना भी मॉइस्चर निकाल के उसको पका देना। तो वन हु डज थिंग्स लाइक दैट इज कॉल्ड पार्चर, बर्ड बूजा। नेक्स्ट इज फेरी वाला, पैडलर। अब पहले भी हमने किया था जिसको हमने हॉकर बोला था, अब दो पैडलर और हॉकर दोनों का मतलब वही था, दे मूव फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब जो हॉकर है वो क्या करता है कि उसके पास कार्ट होती है या बाइसिकल होती है, तो वो उसमें अपनी चीजों को बेचता है। लेकिन जो एक पैडलर है वो क्या बेचता है, वो ही कैरीज हिज वेयर्स ऑन हिज हेड। वो जो सारी चीजें ना वो तो उसने या हैंग की होती है या फिर उसने अपने सिर पे उठाई होती है, तो ही डजंट हैव ए कार्ट और थिंग लाइक दैट। नेक्स्ट इज तेली। अब तेली कौन होता है, ऑयल मैन। ऑयल मैन के नाम से जानते हैं, वन हु ओन्स और वर्क्स फॉर एन ऑयल कंपनी। जो एक ऑयल, या तो वो ऑयल कंपनी है उसकी या फिर वो ऑयल कंपनी के लिए काम करता है, तो उसको हम ऑयल मैन के नाम से जानते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।